तो आगे ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, ऑफ हिज डाइट मेयरेबल वॉज ही फॉर इट वॉज ऑफ नो सुपरफ्लुविटी. तो मॉडर्न में देखिएगा, इन डाइट ही वॉज मेयर्ड एज कुड बी इंक्लूडिंग नॉट ऑफ सुपरफ्लुविटी. तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, ऑफ हिज डाइट मेयरेबल वॉज ही, जहां तक तो उसके खाने पीने का ताल्लुक था तो वो इसमें बड़ा सिलेक्टिव था, बड़ा मेयरेबल था. तो जहां तक उसके खुराक का ताल्लुक था वो बहुत ज्यादा मुतनासिब खुराक खाता था. फॉर इट वॉज ऑफ नो सुपरफ्लुइटी, वो बिल्कुल भी अपनी खुराक में सुपरफ्लुइटी नहीं करता था, खाने पीने में वो ज्यादती नहीं करता था. तो मॉडर्न में देखिए, अगेन डाइट ही वॉज मेयर्ड एज कुड बी, तो अपने खाने पीने में वो एहतियात का दामन नहीं छोड़ता था, बड़ी मेयर्ड किस्म की खुराक खाता था, बड़ी एहतियात के साथ खाता था. इंक्लूडिंग नॉट ऑफ सुपरफ्लुइटी, वो बिल्कुल भी खाने पीने में ज्यादती नहीं करता था, सुपरफ्लुअस नहीं था. ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, बट ऑफ डेट नॉरिशिंग एंड डाइजेस्टेबल हिज स्टडी वॉज बट लिटिल ऑन द बाइबल. तो मॉडर्न में देखिएगा, बट नॉरिशिंग एंड ईजी इट इज नो लाइबल टू से ही रेड बट लिटिल इन द बाइबल. तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, बट ऑफ ग्रेट नॉरिशिंग एंड डाइजेस्टेबल, वो जो भी खुराक खाता नॉरिशिंग, वो ताकतवर होती, मुकव्वी होती, एंड डाइजेस्टेबल, और जो हाजमे के लिए भी बेहतर होती, जो आसानी से हजम हो जाती, गन भला नहीं था खाता. हिज स्टडी वॉज बट लिटिल ऑन द बाइबल, और जहां तक मजहबी होने का ताल्लुक है तो उसने बाइबल बहुत थोड़ी पढ़ी हुई थी, तो उसका दीन के साथ कोई इतना खास ताल्लुक नहीं था. तो मॉडर्न में देखते हैं जी, बट नरिशिंग एंड ईजी, और उसकी खुराक जो है वो जिसम को लगने वाली थी, ताकत वाली थी, और खाने में आसान थी. इट इज नो लाइबल, लाइबल का नफसी मतलब होता है कि किसी के खिलाफ केस करना, किसी की रेपुटेशन तबाह करना, यहाँ पे इसका मतलब है बदनामी. उससे ही रेड बट लिटिल इन द बाइबल. तो वो कहता है कि ये कहना कोई भी बुरी बात नहीं या बदनामी की बात नहीं कि वो बाइबल बहुत कम पढ़ा हुआ था, उसका बाइबल के साथ ताल्लुक बड़ा कम था. जी नेक्स्ट आगे ईस्ट मिडलैंड में देखते हैं जी, इन सैंग्विन एंड इन पर्स ही क्लैड वाज ऑल लाइंड विद टैफेटा एंड विद सैंडल. तो मॉडर्न में देखिएगा, इन ब्लू एंड स्कारलेट ही वेंट क्लैड विद लाइंड विद टैफेटा एंड विद सैंडल. तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, इन सैंग्विन सुरख एंड इन पर्स और नीले रंग ही क्लैड, वो लिपटा हुआ था, मतलब उसने जो लिबास पहना हुआ था वो सुर्ख और नीले रंग का था. लाइंड विद टैफेटा एंड विद सैंडल, और उसके दरमियान पट्टियां, उसके अंदर बार्स बनी हुई थी, उसके अंदर लाइनें लगी हुई थी. टैफेटा कपड़े की किस्म है जी, रेशम की, एंड विद सैंडल, और ये भी कपड़े की किस्म है. तो रेशम की दो किस्में हैं, टैफेटा और सैंडल. तो उसकी जो है वो पट्टियां लगी हुई थी, लाइंस बनी हुई थी, और बड़ा फैशनी किस्म का उसका सूट था. तो मॉडर्न में देखिएगा, इन ब्लू एंड स्कारलेट ही वेंट क्लैड विद लाइंड विद टैफेटा एंड विद सैंडल. तो उसने जो लिबास पहना हुआ था वो नीला और सुर्ख रंगत का था, और उसमें लाइनें बनी हुई थी, टैफेटा के कपड़े की और सैंडल के कपड़े की. विद इन एडिशन टू, के अलावा, मजीद. तो वो कहता है मजीद मैं ये बताता हूँ कि उसका लिबास जो है वो सुर्ख और नीला था, और टैफेटा और सैंडल की उसमें पट्टियां लगी हुई थी, बार्स बनी हुई थी. तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा जी नेक्स्ट आगे, एंड येट ही वॉज बट इज ऑफ डिस्पेंस ही केप्ट दैट ही वन इन पेस्टिलेंस. तो मॉडर्न में देखिएगा, एंड येट ही वॉज राइट चैरी ऑफ एक्सपल्स ही केप्ट द गोल्ड ही गेन्ड फ्रॉम पेस्टिलेंस. तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, एंड येट ही वॉज बट इज ऑफ डिस्पेंस. तो इजी ऑफ डिस्पेंस, कंजूस, डिस्पेंस खर्चा. तो वो कहते हैं कि इसके अलावा वो खर्चा करने में बड़ा ही हाथ को खींचने वाला था, कफायत शार था, अपने सूट के अलावा जिस पे उसने महंगा सूट पहना हुआ था. ही केप्ट दैट, और वो पैसा, वो एक्सपेंस जो कि उसने केप्ट हासिल किया था, इवन वो उसने कमाया था इन पेस्टिलेंस, जब वबा फैली थी, तो जब टाउन की बीमारी फैली थी या वबा फैली थी, तो उसने ढेर सारा पैसा कमाया था, और वो पैसा वो खर्चता नहीं था किसी भी जगह पर मांसवाय अपने लिबास के. तो मॉडर्न में देखिएगा, एंड येट ही वॉज
राइट चेरी ऑफ एक्सपल्स, चेरी रिलक्टेंट, हिचकिचाना, एक्सपल्स खर्चा, तो वो खर्चा करते हुए हिचकिचाता था। He kept the gold, और उसके पास नोट मौजूद थे, सोना मौजूद था। He gained from pestilence, जो उसने वबा के दिनों में लोगों का इलाज कर करके हासिल किया था। तो इस पे भी जो है वो बड़ी चोट की है जेफरी चौसर ने। आगे जी ईस्ट इंग्लैंड में देखिएगा, फॉर गोल्ड इन फिजिक इज अ कॉर्डियल, देयर फोर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल। तो मॉडर्न में देखिएगा, फॉर गोल्ड इन फिजिक इज अ फाइन कॉर्डियल एंड देयर फोर लव्ड ही गोल्ड एक्सीडिंगली ऑल। ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, फॉर गोल्ड इन फिजिक इज अकॉर्डियल, जब हकीम बनाते हैं ना दवाइयाँ, वो क्या कहते हैं, सोने के वर्क चांदी के वर्क डालते हैं, तो उस एतबार से जो फिजिक्स है, जो डॉक्टरी है, जो तबीब है, जो हिकमत है, उसके अंदर जो है गोल्ड बहुत ही ज्यादा कॉर्डियल बहुत ही अहमियत रखता है। कॉर्डियल का लफ्जी मतलब होता है गर्मजोशी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है अहमियत, तो बड़े अहमियत का हामिल है गोल्ड। Therefore he loved gold in special, इसलिए उसको बहुत ज्यादा पसंद था सोना। तो मतलब की कि सोने से जो है वो दवाइयां बनाता था, लेकिन ये दवाइयां कम और अपनी तिजोरी ज्यादा बरता था। तो मॉडर्न में देखिएगा, फॉर गोल्ड इन फिजिक इज अ फाइन कॉर्डियल, जैसा कि दवाइयों के अंदर सोने की जरूरत होती है और वो बड़ा अहम होता है, इसीलिए एंड देयर फोर लव्ड ही गोल्ड एक्सीडिंगली ऑल, एक्सीडिंग बहुत ज्यादा ऑल, तो वो कहता है इसीलिए उसको सोना बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि उसने अपनी दवाइयों में डालना होता था और तिजोरी भरनी होती थी। जी ये था जी डॉक्टर ऑफ फिजिक का करैक्टर। अच्छा जी, तो ये था जी करैक्टर डॉक्टर ऑफ फिजिक का। इसमें जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाइनें जो है वो बड़ी अहम है, जैसा कि ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। तो डॉक्टर ऑफ फिजिक जो था वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था एस्ट्रोनॉमी में। फिर उसके बाद वो इलाज जब करता था, ग्रेट डील इन ऑर्स बाय हिज मैजिक नेचुरल, तो अपने मैजिक नेचुरल के साथ, जोडियक साइंस के साथ जो है वो डील करता था अपने पेशेंट को। फिर उसके बाद वाई इमेजेस, उनकी वैक्सीन इमेजेस बनाता था। फिर जो है वो ये वाली लाइन के जो ह्यूमर है, ह्यूमर की कमी बेशी के साथ जो है कोई बीमारी हॉट अगर होती, कोई बीमारी कोल्ड होती, कोई बीमारी जो है वो मॉइस्चर वाली होती, कोई बीमारी ड्राई वाली होती, ये वाली लाइनें जो है। फिर इसके बाद वो अपैथिकरीज के साथ उसका ताल्लुक था, वो उनको ड्रग्स और लेचरीज बेचता था, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है या ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। फिर इसके बाद ये जो इतने ज्यादा नाम है डॉक्टर्स के, ये करने की जरूरत नहीं है। उसकी डाइट जो है वो बड़ी मेजरेबल थी, उसमें सुपरफ्लूटी नहीं थी, डाइजेस्टेबल डाइट लेता था। हाँ ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि बट लिटल ऑन द बाइबल, उसका बाइबल के साथ ताल्लुक बहुत थोड़ा था। अब इसके बाद सबसे अहम लाइन कि उसका जो ड्रेस था वो सेंग्विन और पर्स था, ये लाइनें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाती हैं कि सुर्ख और नीले रंग का ड्रेस था उसका। और सबसे अहम लाइन कि उसमें जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ था वो टेफ्टा और सैंडल का था। टेफ्टा और सैंडल जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको गोल्ड बड़ा पसंद है, क्योंकि गोल्ड जो है वो कुश्ते बनाने में और दवाइयां बनाने में बड़ा कॉर्डियल है, और उसने बड़ा गोल्ड इकट्ठा किया था पेस्टिलेंस के दौरान, वबा के दौरान। तो ये वाले पॉइंट्स बड़े अहम हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू।